हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जो है बेबी ब्लैंकेट बनाना सीखेंगे बहुत ही इजी पैटर्न से। और ब्लैंकेट बनाने के बाद हम सिंपल सी उसमें साइड बॉर्डर बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, आप अगर बेबी वूल ले सकते हैं तो वो लीजिए। और यहाँ पे मैंने जो है ये बेबी वूल ली हुई है, और ये जो क्रोशेट जो घरों में जो है इजीली अवेलेबल होते हैं तो वैसे ही मैंने लिया है। और ये है 3.50 mm का। तो ये मैंने क्रोशिया हुक जो है ये वाला साइज़ का लिया है, और वूल सिंपल सी है मेरी ये। तो बेबी वूल में बहुत ही अच्छे ब्लैंकेट जो हैं वो बनते हैं। तो अगर बेबी वूल लेना चाहते हैं तो आप बेबी वूल लीजिए। तो अब देखिए, अब हमने क्या करना है, हम सिंपल सा एक पैटर्न जो है इसके लिए शुरू करेंगे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है थ्रेड का कॉर्नर ले लेंगे और अब इसका हम एक स्टिच जो है बना लेंगे, जैसे सिंपली बना लेते हैं। जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए, चाहे वो गांठ लगा के बनाना चाहते हैं तो गांठ लगा के बना सकते हैं आप। तो इस तरह से आप घुमा के इसको इस तरीके से ले सकते हैं और इसे पक्का कर लीजिए। तो ये जो है मैंने पहला ये स्टिच बना लिया है। अब इसके बाद देखिए, हम जो है अगर आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 130-135 के आसपास जो है फंदे ले सकते हैं। मैं छोटा सा सैंपल बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे जो है थोड़े ही फंदे लूँगी, और फंदे लूँगी मैं देखिए 3 के मल्टीपल में, जैसे हम निटिंग में लेते हैं 3+3+ इस तरह से, और उसके बाद लास्ट में 2 और एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, ये एक स्टिच बन गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है 32 बना लेंगे। तो ये मेरे 32 स्टिचेस जो हैं वो मैंने बना लिए हैं ये। और अब देखिए हमने क्या करना है, अब हम एक फाउंडेशन रो बनाएंगे। फाउंडेशन रो जो है अब यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे, देखिए ये हमारा लास्ट स्टिच है, और अब हम 2 फंदों को स्लिप करेंगे। तो 2 फंदे ये वाला और ये वाला हम स्लिप करेंगे, उसके बाद ये जो तीसरा है यहाँ से हम देखिए इसे ऐसे बुनेंगे इस तरीके से ऐसे। और अब हम करेंगे डबल क्रोशेट। डबल क्रोशेट का मतलब ये 2 फंदे इस तरीके से लिए, एक बार बनाया और ये दूसरी बार बनाया, तो ये डबल क्रोशेट है। और इसी तरह से हम जो है एंड तक हर स्टिच पर जो है डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हम इस तरह से जाली फंदा बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में हम सेम तरीके से डबल क्रोशेट करेंगे, 1, 2। तो बीच में हमने कोई स्टिच स्लिप नहीं करना है, और हर स्टिच पर हमने इस तरीके से ये फाउंडेशन रो जो है फर्स्ट रो पे बनानी है। और इस रो के बाद जो है हम पैटर्न की 2 रोज बनाएंगे, तो वो ही रिपीट करते जाएंगे हम एंड तक। और वो कैसे बनाएंगे वो देखिए मैं बताऊंगी इसके बाद। तो ये वाली जो रो है ये हम पूरी एंड स्टिच तक यहाँ तक बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एंड तक जो है हमने इसे इस तरह से बुन लिया है, और ये हमारी जो है अब बेस जो है वो तैयार हो चुकी है ये वाली। तो अब बनाएंगे हम रो 1।
अब इस तरीके से हम यहाँ पे दो इस तरीके से दो स्टिचेस ऐसे दो बार इसे ऐसे बुनेंगे और अब यहाँ पे इस तरीके से मुड़ जाएंगे। अब हम रो वन यहाँ पे बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हम जाली फंदा हर बार लेते हैं देखिए क्रोशिया में। तो अब जो ये हमारे पास पहला फंदा यहाँ नज़र आ रहा है, इसे हम एक बार यहाँ पे इस तरीके से देखिए ऊपर जो है हमारे ये हमारा ये जो है स्टिच नज़र आता है इस तरीके से, और एक धागा नीचे रह जाता है। तो इस तरीके से इसे हमने यहाँ पे एक बार डबल क्रोशेट यहाँ पे इस तरीके से बनाना है ऐसे। तो ये हमने एक बार बनाया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम एक बार इस तरीके से बनाएंगे। अब ये जो यहाँ पे ये दूसरा फंदा है तो इसे हम जो है इस तरीके से बुनेंगे। देखिए ये जो क्रोशिया हुक है हम इस तरीके से डालेंगे और फिर यहाँ से लूप ड्रॉ करके अब देखिए ये हम यहाँ पे डबल क्रोशेट इस तरह से कर लेंगे ऐसे। तो अब जो ये दो फंदे हैं जैसे हमने बनाए हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। तो क्या किया था देखिए हमने, अब ये वाला जो फंदा है इसे हमने यहाँ से ऐसे बुनना है, फिर दूसरा फंदा देखिए आगे वाला है इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, फिर यही दो फंदे एंड तक हमने रिपीट करने। देखिए तो ये हम ऐसे करते जाएंगे। आगे वाला ये वाला स्टिच है तो इसे यहां से बुनेंगे ऐसे, और उसके बाद आगे ये वाला स्टिच है इसे हमने बुनना है ऐसे। तो ये अब मैं यहां तक कर लेती हूँ, फिर मैं एंड में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है एंड पे मैं आ गई हूँ, और ये जो है मैंने ये आगे से बनाया है एक, और इसके बाद देखिए अब हम इस वाले स्टिच पे यहां से बनाएंगे ऐसे, और उसके बाद एक स्टिच हम इसी तरीके से और बनाएंगे ये वाला लास्ट वाला। ऐसे अब हम यहां पे दो बार इसे ऐसे बनाएंगे एक दो, और अब हम यहाँ पे मुड़ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे रो टू। तो रो टू किस तरह से बनाएंगे देखिए, पहले तो हम ये वाला स्टिच जो है यहाँ से बनाएंगे इस तरीके से, तो ये एक बार ये दो बार, तो ये डबल क्रोशेट इस तरह से। और अब देखिए ये वाला जो स्टिच है अब हम इसे कैसे बनाएंगे, इसे अब बनाएंगे हम इस तरीके से ऐसे। इसके बाद ये वाला एक बार हमने इस तरह से बनाने के बाद अब जैसे पहले बनाया वैसे ही दो और बनाएंगे, तो ये हम ऊपर से बनाएंगे इस तरीके से एक, फिर ये वाला स्टिच ऊपर से ऐसे। तो ये जो अभी तीन स्टिच हमने बनाए हैं ये आगे से और दो इस तरीके से ऊपर वाले स्टिच से, तो ये तीन फंदे जो है हमने रिपीट करने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, आगे वाला स्टिच देखिए इस तरीके से बनाएंगे, फिर आगे दो स्टिच नजर आएंगे उन्हें ऊपर से हम इस तरीके से बुनेंगे ऐसे। तो एक बार हम इस तरीके से बनाते जाएंगे और दो बार इस तरीके से एक बार इस तरीके से और दो बार इस तरीके से। तो ये रो टू जो है हम इस तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे एंड तक, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैं एंड पर आ गई हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो बार ऊपर से बुना है देखिए दो स्टिचेस को,
अब मैं देखिए यहाँ पे दो बार इस तरीके से ऊपर से बनाने के बाद एक बार यहाँ से बना रही हूँ, और आगे से बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे दो बार मैं ऊपर से बनाऊंगी। तो ये वाला स्टिच मैंने बनाया है अभी, तो अब ये वाला स्टिच बनाऊंगी यहाँ से ऐसे, और उसके बाद ये वाला स्टिच यहाँ से। ये अब हमारी रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दो बार ऐसे बुनेंगे और अब हम इस तरीके से यहाँ टर्न हो जाएंगे। तो अब हमने इसके ऊपर जो है देखिए, यहाँ हमने फाउंडेशन रो बनाई, फिर रो वन बनाई, फिर रो टू बनाई। अब रो वन और रो टू को ही रिपीट करते जाना है, जितना आपको ब्लैंकेट चाहिए, जितनी लेंथ चाहिए इसकी, वहाँ तक इन्हीं दो रोज को हम जो है रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ टर्न होने के बाद देखिए हमने क्या किया था, पहले रो में पहले स्टिच को हमने यहाँ से बुना था ऐसे, फिर उसके बाद एक फंदा हमने आगे से बनाया था ऐसे, और इन्हीं दो फंदों को हमने रिपीट किया था एंड तक। तो ये आगे वाला स्टिच हम ये वाला स्टिच जो है यहाँ ऊपर से बना रहे हैं, फिर इसके नेक्स्ट वाला जो है ये, फिर ये हम इस तरीके से आगे से बनाएंगे ऐसे। तो ये हम जो है एंड तक बना लेते हैं। तो ये देखिए ये एंड पर पहुंच गई हूँ, और यहाँ पे एक ये वाला स्टिच जो मैंने ऊपर से बना लिया है, अब एक स्टिच में यहाँ से बना रही हूँ आगे से। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टिच नजर आ रहा है, अब यहाँ पे दो स्टिचेस रह गए हैं, एक ये वाला है इसे मैं ऊपर से बनाऊंगी, और एज स्टिच भी मैं यहां से ऊपर से ही बनाऊंगी ऐसे। अब दो बार इसे ऐसे बनाने के बाद अब हम यहां पे मुड़ जाएंगे ऐसे, और अब हमने रो टू को यहां पे करना है रिपीट। तो अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो है एक ही जगह से आगे थे, तो ये जो है इसका यहाँ से देखिए, ये लास्ट वाला जब आप बनाएंगे तो ध्यान से बनाइए ऐसे, और उसके बाद दो चेन्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पे मुड़ जाते हैं ऐसे। और अब जो है हम जैसे रो टू बनाई थी वैसे ही अब इसे रो टू को ही यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो क्या किया था हमने देखिए, पहले पहला फंदा जो है हमने ऊपर से ऐसे बनाया था, और उसके बाद एक फंदा हमने आगे से बनाया था ऐसे, उसके बाद दो फंदे हम ऊपर से बनाएंगे ये देखिए ये इसका बनाया, ये यहाँ पे इसका बनाएंगे ऐसे। तो ये तीन फंदे हमने बनाए हैं, हम एंड तक इसे रिपीट करेंगे। देखिए एक फंदा हम ऐसे बनाएंगे और दो फंदे ऐसे, इस तरीके से। तो ये एक और बार मैं बता देती हूँ, एक फंदा ये देखिए आगे वाला नजर आएगा ये इस तरीके से, इसे हम इस तरीके से क्रोशिया डालते हुए ऐसे बुनेंगे, फिर डबल क्रोशेट करेंगे एक दो ऐसे, फिर आगे वाले स्टिच देखिए ये वाला स्टिच हम यहाँ से बनाएंगे, देखिए स्टिच ऐसे,
फिर डबल क्रोशेट, एक और बार करेंगे रिपीट ऐसे। तो ये जो है अब हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो जितनी लेंथ आपको चाहिए वो फिर अब हम उस हिसाब से बनाते जाएंगे इन्हीं दो रोज को। तो ये वाली रो जैसे हमने रो टू बनाई थी पहले, उसी तरीके से यहाँ लास्ट में जो है, यहाँ लास्ट तक बनाएंगे। लास्ट में टू जो है रेगुलर स्टिचेस बनाएंगे जैसे हर बार बनते आए हैं। और अब इन्हीं दो रोज को हम रिपीट करते हुए थोड़ी सी लेंथ बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे जो लेंथ चाहिए थी वो मैंने बना ली है, और ये क्योंकि मैं छोटा सा बना रही हूँ इसलिए अब मैं यहीं पे इसको जो है अब एजिंग करना शुरू कर दूंगी। साइड का जो बॉर्डर होते हैं ब्लैंकेट्स के वो बनाना शुरू करूंगी। तो वो भी मैं सबसे आसान डिज़ाइन इसमें बनाने जा रही हूँ। तो अब देखिए, अब जो है ये वाली रो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है और इसके बाद मैं यहाँ पे मुड़ चुकी हूँ। तो अब मैं जो है एक लाइन जो है, जैसे शुरू में हमने एक सिंपल सी लाइन बनाई थी, रो वन जो बनाई थी फाउंडेशन रो, वैसे ही हम एक लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, ये रो जब हमने कंप्लीट करी तो अब हम दो बार इसे ऐसे बुन लेंगे। उसके बाद फ्रंट साइड, अब देखिए वो साइड कौन सी आपको अच्छी लगती है वो आप फ्रंट पर रख सकते हैं। मुझे ये वाली रखनी है इसलिए मैं जो है अब यहाँ से शुरू करूँगी और यहाँ पर वापस नहीं आना है मुझे। अभी पूरा का पूरा जो बॉर्डर है ब्लैंकेट का छोटे से इसका, ये मैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चल के ये बनाना शुरू करूँगी। तो अब यहाँ पे मैं एक रो जो है लास्ट बना लेती हूँ सिंपल सी। तो इसके लिए मैं हर स्टिच को इस तरीके से बुन लूँगी ऐसे। और इस तरह से करने के बाद देखिए मेरे जो स्टिचेस हैं वो मेरे पास क्लियर आ जाएंगे जितने मैंने इस साइड पर रखने हैं। तो हमने जितने स्टिचेस यहाँ पे रखने हैं उतने ही हमें यहाँ पे रखने हैं, और जितने यहाँ पे होंगे उतने ही हम यहाँ पे रखेंगे। तो पहले अब मैं ये वाली लाइन जो है पूरी यहाँ तक बना लेती हूँ। तो ये लाइन मैंने पूरी बना ली है और ये जो स्टिचेस हैं ये गिनने पर 30 आते हैं मेरे, और इतने ही मैं जो है यहाँ पे ये वाले पिक करूँगी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले। और अब देखिए मैं कॉर्नर पे पहुँच गई हूँ। अब कॉर्नर पे पहुँच के मैं यहाँ पे अब जो कोने होते हैं ब्लैंकेट्स के वो बनाना शुरू करूँगी और मैं यहीं से स्टार्ट कर दूँगी। तो ये मेरा पहला, चारों कॉर्नर में से पहला कॉर्नर ये इस तरीके से यहाँ पर बनाऊँगी। देखिए जो ये स्टिच है हमारा एंड वाला, अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी चार फंदे, एक दो तीन चार। तो ये मैंने चार फंदे जो हैं एक पर बना लिए हैं, और नेक्स्ट जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे अगले राउंड में तो यहाँ पे मैं ये इस जगह पे इन दो फंदों, दो स्पेस को छोड़ के जो बीच वाला स्पेस है यहाँ पे चार फंदे बनाऊंगे, और इस तरह से ये कॉर्नर हम हर लाइन में बनाते जाएंगे। तो अब देखिए, अब आते हैं हम दूसरी साइड पे। अब देखिए यहाँ पे हमने फंदे उठाने हैं, तो किस तरह से उठाने हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें जितने भी स्पेस नजर आएंगे वो वहाँ से हम फंदे उठा लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये स्पेस नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से उठा लूँगी एक फंदा इस तरीके से। फिर उसके नेक्स्ट देखिए स्पेस जो है खुद ब खुद नज़र आ जाएंगे। थोड़ा सा आप इसे खोल के देखेंगे तो ये दो, ये तीन, इसे हम यहाँ से उठाएंगे। ऐसे तो इस तरीके से हर स्पेस में से देखिए, अब नेक्स्ट जो ये स्पेस है यहाँ से हम फंदे उठा लेंगे और ये पूरे हमने काउंट कर लेने हैं, और जितने यहाँ पे हम उठाएंगे उतने ही इस ओर भी उठाने हैं, तभी हमारा जो है साइड बॉर्डर जो है ये सही आएगा। तो
ये जो है हम हल्का सा अगर खींच के देखेंगे तो हमें ये स्पेस क्लियर नज़र आते हैं, और फिर इनमें से जो है हम ये इस तरीके से उठा लिया करेंगे स्टिचेस को, ये इस तरीके से। तो ये वाली लाइन भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमने ध्यान रखने हैं कितने फंदे यहाँ पे जो कॉर्नर को बनाने से पहले हमने दो कॉर्नर्स के बीच में कितने फंदे उठाएंगे हमने गिन लेने हैं, और उतने ही हमने फिर इन दो कॉर्नर्स के बीच में फंदे उठाने हैं। और देखिए यहाँ पे सेम उतने ही फंदे उठाने जितने हमने यहाँ पे उठाए हैं। तो अब ये चारों साइड में जो है इस तरीके से बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये चारों जो है साइड से ये इस तरीके से कर लिया है, तीन मैंने कॉर्नर्स बना लिए हैं और ये लास्ट वाला है, यहाँ से शुरू किया था देखिए ये, और यहाँ पे अब लास्ट यहाँ पे मैं ये बना लूँगी कॉर्नर। तो जो कॉर्नर वाला यहाँ पे देखिए ये स्टिच आता है ये मेरा, यहाँ पर मैं चार बार इस तरह से बुन लूँगी, एक दो तीन और ये चार, ऐसे। तो यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से मैं जो है अब देखिए क्या डिज़ाइन शुरू करने जा रही हूँ। तो इससे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे मेरे जो हैं 30 स्टिचेस जो हैं इस साइड और इस साइड हैं, और यहाँ पे मेरे यहाँ पे 32 स्टिचेस हैं और यहाँ पे 30 स्टिचेस हैं। अगर देखिए अगर आपका एक दो फंदा जो है एक्स्ट्रा कहीं पे बढ़ जाता है तो आप वहाँ पे जो है डिक्रीज भी कर सकते हैं दो को इकट्ठा बुन के, जैसे हम निटिंग में करते हैं। तो आप एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर ये फंदे जो हैं आपके इवन नंबर में हैं तो सारे के सारे साइड जो है इवन नंबर में होने चाहिए, और एक साइड अगर ऑड नंबर पर आपने कर लिए हैं तो सारी साइड ऑड नंबर पे ही फंदे रखने हैं। और अब हमारा जो है यहाँ से डिज़ाइन शुरू होता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये मैंने कॉर्नर बना लिया है और इसके नेक्स्ट जो हमारा ये है, ये फंदा नेक्स्ट, पहला ये फंदा आता है। तो अब हम देखिए इसे क्या करेंगे, इसे हम बुनेंगे इस तरीके से, ये यहाँ से हम ऐसे क्रोशिया डालते हुए, ये ऐसे निकालते हुए, ये ऐसे, ये हम अब डबल क्रोशेट कर देंगे यहाँ पे, एक दो। तो ये जो है हमने पीछे की ओर से बुना है एक बार, और अब इसके नेक्स्ट जो फंदा है वो हम बुनेंगे ऐसे आगे से, जैसे हमने पहले किया है बीच में ऐसे। तो अब ये दो फंदे हमने रिपीट करने हैं। तो अब ये एक बार और बता देती हूँ, ये एक फंदा हम ऐसे करेंगे और दूसरा फंदा हम आगे से बुनेंगे ऐसे। तो देखिए अगर आपके इवन नंबर में यहाँ पे स्टिचेस हैं तो एक साइड जो है थोड़ा सा डिफरेंट आएगा और एक साइड डिफरेंट आएगा। अगर सारे के सारे साइड जो आपके फंदे ऑड नंबर में हैं तो आपका ये जो साइड का डिज़ाइन है ये बिल्कुल सबका सेम आएगा। और यहाँ पे मेरे क्योंकि इवन नंबर में है तो अब देखते हैं आगे किस तरह से करना है। तो अभी जो है मैं इन दो स्टिचेस को जो है जैसे मैंने ये बनाए हैं ये ही रिपीट करती जाऊँगी, यहाँ जो कॉर्नर है यहाँ से पहले तक इस स्टिच तक। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है मैंने ये यहाँ तक कॉर्नर तक बना ली है। देखिए तो पहला फंदा हमने पीछे से बुना था, फिर सीधा आगे की ओर से बुना था, फिर यही दो फंदे रिपीट करते हुए देखिए अब ये मैंने लास्ट जो स्टिच है ये आगे की ओर से बुना है। तो अगर इवन नंबर के फंदे हैं तो ऐसा ही होगा, और अगर ऑड नंबर के फंदे हैं तो ये पहले फंदे की तरह पीछे की तरफ से बनेगा, और क्योंकि हमारे सारे फंदे जो है हमने इवन नंबर पे लिए तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमारा कॉर्नर आ गया, यहाँ पे देखिए एक पे चार बनाए थे मैंने, तो इनमें अब जो है बीच वाले फंदे पर भी हम एक से चार ही बनाएंगे, लेकिन साइड में जो ये स्टिच हैं पहला और चौथा इन्हें हम बुन लेंगे। इन्हें हम बुनेंगे कैसे, देखिए ये हमने आगे से बुना है इसे बुन लेंगे हम पहले फंदे को पीछे की ओर से इस तरह से, जैसे बाकी फंदे अभी अभी बुने वैसे। और अब हमने देखिए ये जो बीच में फंदा आ जाता है इन दो फंदों को नहीं बुनेंगे हम, इनके बीच वाले गैप में अब हमने चार बार फंदे उठाने, एक दो तीन चार।
तो ये चार पर बना लिए। और अब यहाँ पे देखिए ये जो फोर्थ स्टिच है जैसा हमने पहला बुना है वैसे ही बुनेंगे। तो पीछे की ओर से बुना है तो इसे बुनेंगे हम पीछे की ओर से ऐसे इस तरीके से। तो इसके बाद वाले फंदे हम वैसे ही करेंगे। देखिए एक फंदा आगे की ओर से बुनेंगे और एक जो है पीछे की ओर से जैसे पहले बनाए। तो इस तरह की जो बॉर्डर होते हैं साइड बॉर्डर जो ब्लैंकेट्स के, ये बड़े जो न्यू बॉर्न बेबी वगैरह के लिए जो ब्लैंकेट्स होते हैं उनमें अच्छे लगते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मैं छोटा सा सैंपल बना रही हूँ और अगर इतना सा कोई अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप बारीक एजिंग कर सकते हैं। तो ये अब हम एंड तक ऐसे ही बुनते जाएंगे, एक बार आगे की ओर से ऐसे और एक बार पीछे की ओर से ऐसे। तो ये हम ये लाइन यहाँ तक बना लेंगे और जो जैसे हमने इस कॉर्नर पे किया है वैसे ही यहाँ पे करेंगे। और उसके आसपास जो है हम जो पहला और चौथा फंदा होगा उसे सेम तरीके से बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने ये चारों तरफ बुन लेना है और जैसे हमने ये लाइन बनाई है वैसे ही उतनी लाइंस बना लेनी है जितनी हमें ज़रूरत है। तो अब हम पांच लाइंस जो हैं इसी तरीके से और बनाएंगे। टोटल सिलाइयाँ जो हैं पहली वाली हमारी शुरू हो चुकी है, चार और इसके अलावा बना लेंगे। तो इतना बना लेते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। और देखिए ये जो कॉर्नर्स हैं ये इस तरीके से बनते जाएंगे। जो साइड मैंने आपको फ्रंट साइड बोली थी ये देखिए जहाँ पे हम एक पर चार फंदे लेते जा रहे थे, तो ये जो था एक दो तीन बार ही मैंने करा क्योंकि मेरे पास धागा इतना ही अवेलेबल था। तो यहाँ पे जो है मेरा धागा शॉर्ट हो गया और मैंने यहाँ पे ये बंद कर दिया था। तो ये जो है जिस तरह से मैंने आपको ये बॉर्डर बताया है ब्लैंकेट के लिए एजिंग बताई है, तो ये इस तरीके से बनके तैयार हुआ है। देखिए ये दोनों तरफ से एक जैसा नज़र आएगा और ये देखिए। तो ये देखिए मैंने तीन बार करा है, एक दो तीन, और ये जो है बहुत ही अच्छा और थिक बॉर्डर ये इस तरह से बनके तैयार होता है। तो अगर आप बेबी ब्लैंकेट्स वगैरह बना रहे हैं तो आप इस तरह की जो है साइड बॉर्डर्स बना सकते हैं। बहुत आसान है, एक ही पैटर्न को फॉलो करते जाना है और इस तरह से ये बनता जाता है। तो आगे भी फ्रेंड्स मैं क्रोशिया से लेकर क्रोशिया से रिलेटेड जो है वो वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।